न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। बेलीपार थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में माँ और उसके दो मासूम बच्चों की शॉर्ट सर्किट से हुई मौत। मृतिका की माँ ने लगाया हत्या का आरोप। सीओ खजरी ने कहा पोस्टमार्टम के बाद हो सकेगी स्थिति स्पष्ट। अवैध रूप से संचालित पैथोलॉजी नर्सिंग होम क्लिनिकों पर डीएम ने किया कार्रवाई का ऐलान। मेडिकल स्टोर का लाइसेंस लेकर अवैध रूप से क्लिनिक को स्वयं सील करवा कर किया शुरुआत। आरटीओ कार्यालय पर एंटी करप्शन विभाग ने की कार्रवाई। विभिन्न पटलों पर अवैधानिक तरीके से कार्य कर रहे 6 लोगों को लिया गिरफ्त में। सदर तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे मंडलायुक्त। शिकायतों के त्वरित एवं गुणवत्ता युक्त निस्तारण के दिए निर्देश। एसएसबी के 3 दिवसीय अंतर सीमांत खेलकूद प्रतियोगिता का डीआईजी मेडिकल ने किया उद्घाटन। कहा खेल भावना के साथ करें अपना प्रदर्शन। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई खजनी तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस। 218 मामलों में से 16 का मौके पर हुआ निस्तारण। गोरखनाथ मंदिर में संपन्न हुई हिंदू युवा वाहिनी महानगर की मासिक समीक्षा बैठक। संगठन को मजबूत कराने सहित विभिन्न बिंदुओं पर हुई चर्चा। यूपीसीए में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ ऑल इंडिया क्रिकेट संघर्ष समिति ने निकाली रैली। सीबीआई से जांच की किया मांग। 6 सूत्रीय मांग को लेकर राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन उत्तर प्रदेश ने विद्युत वितरण खंड द्वितीय बख्शीपुर में किया प्रदर्शन। राज्य महिला जिम्नास्टिक एवं कबड्डी प्रतियोगिता का रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में हुआ शुभारंभ। नगर विधायक ने खिलाड़ियों को दी शुभकामनाएं। और श्री राधा अष्टमी के अवसर पर धूमधाम से मनाई गई श्री राधा कृष्ण मंदिर गीता वाटिका में दधिक कर्म महोत्सव। झूम उठे श्रद्धालु।